गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द आर्टिकल्स फोर्थ चैप्टर ए एंड द। तो आर्टिकल्स किसको बोलते हैं? ए एंड और द के यूज को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। ए और एन को क्या होते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, और द होता है उसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। तो यूज ऑफ द इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। तो सबसे पहले हम ए और एन का यूज सीखेंगे, इनको इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। तो ए का यूज क्या होता है? नाउन बिगनिंग विद कंसोनेंट, जो नाउन का नाउन के पहले जो लेटर होता है उस वो अगर कंसोनेंट होता है तो उससे पहले ए हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिए हुए ना, पिजन तो पी है तो ए आएगा, एच है तो ए आएगा। तो जो लेटर कंसोनेंट होते हैं कॉन्सोनेंट से पहले ए आएगा। इसी तरह से बॉबल्स के साथ ए एन आएगा। नाउन बिगनिंग विद बॉबल्स, अगर बॉबल्स उनके साथ नाउन बिगनिंग होते हैं तो उसमें ए एन एन आता है। ए और एन आर यूज टू रेफर टू सम इनडेफिनिट पर्सन और थिंग। इनडेफिनिट पर्सन जो ए और एन होते हैं वो इनडेफिनिट पर्सन को शो करते हैं। और ए और एन आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू मीन वन। तो मतलब जो सिंगुलर ए और एन होते हैं वो वन पर्सन को शो करते हैं। आई हैव ए टोक्यो, एन ऑरेंज, मतलब एक को ही शो करते हैं। एक्सरसाइज हम देखते हैं, इसमें आपको ए और एन का ही यूज करना है। तो बॉबल्स के साथ ए एन एन आएगा और कॉन्सोनेंट के साथ ए आएगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको देखते हैं। ये तो हुए ए और एन का यूज, अब हम द का यूज देखते हैं। द आर्टिकल द यूज टू पॉइंट आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। तो जो आउट जो दी सब होता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ यूज होता है, और जो डेफिनेट होता है कि मतलब ये ऐसा ही है, तो ये डेफिनेट पर्सन के साथ यूज होता है। द आर्टिकल द यूज टू रेफर टू समथिंग और समवन ऑलरेडी मैंशन अर्लियर, मीन्स जो द शब्द होता है वो कुछ भी चीज़ के लिए या किसी भी पर्सन के लिए वो पहले से दिया हुआ होता है। तो द का हम यूज उन्हीं पर्टिकुलर यूज थिंग्स के लिए पर्सन के लिए यूज करते हैं। इसमें दिए आपको एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं, इसमें आपको ए एंड द का यूज करना है, जो कि आपको खुद से करनी है और आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन मीन्स क्रिया के प्रकार, नाउन के प्रकार। तो नाउन कितने प्रकार की होती हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो कॉमन नाउन तो आपको पता है ना, किसी भी चीज का नाम कॉमन हो, से हमको किसी भी चीज़ का पता ना चले वो कॉमन नाउन देते हैं। डॉक्टर हुआ, बॉय, गर्ल, उससे हमको केवल उसके नाउन का पता चल रहा है, उसका ये नहीं पता चल रहा है कि वो पर्टिकुलर उसका नहीं पता चल रहा है, तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन में उसका निश्चित होता है कि ये वो है पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या एनिमल, थिंग कोई भी हो, लेकिन उसका वो पर्टिकुलर होता है। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो कि हमको किसी भी पर्सन की या थिंग्स की क्वालिटी को शो करते हैं, और जो कि हमको दिखाई नहीं देते, वो किसी की अच्छाई हुआ या कोई सॉफ्टनेस हुआ या बचपन हुआ, जो हमको दिखाई नहीं देता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स मोस्टली हमको दिखाई नहीं देती है, केवल उसका हम फील कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होती हैं? कि कलेक्टिव नाउन किसी भी ग्रुप में, जो जैसे टीम क्रिकेट प्लेयर की टीम होती है ना, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब किसी भी पर्सन के ग्रुप को कलेक्ट हो जाते हैं ना, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहाँ पे आपको देखो नीचे आपको ये सारे लिस्ट दी हुई है, इसमें आपको यहाँ पे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, आपको इसमें से लिस्ट में से अलग अलग सेलेक्ट करके लिखनी है। प्रॉपर नाउन में क्या क्या आएगा, कॉमन नाउन में क्या क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट में क्या आएगा, कलेक्टिव नाउन में क्या आएगा, ये सब आपको इस लिस्ट में से
सेलेक्ट करके लिखना है। तो आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, वो आप इस लिस्ट में से देख के ये यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।